हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में 66वीं बीपीएससी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की जो हमने एक शुरुआत की है, अगर आप हमारे कम्युनिटी को फॉलो करते होंगे तो वहाँ पे एक प्रश्न डेली शाम के टाइम में पोस्ट किया जाता है जिसका उत्तर आपको पीडीएफ बनाकर ईमेल आईडी के माध्यम से साझा करना होता है, जिसे मूल्यांकन करने के बाद आपको रिवर्ट वापस कर दिया जाता है। पहले जो तीन प्रश्न हैं जो हमने अभी तक साझा किए हैं, उन तीन प्रश्नों को और जो आपके द्वारा जो सबसे अच्छा उत्तर अभी तक साझा किया गया है उस उत्तर को हम आप सारे लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर कर रहे हैं ताकि आप अपने उत्तर को और इम्प्रूव कर सकें। हमने पहला प्रश्न किया था कि कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट ने किस प्रकार भारत में राजकोषीय संघवाद को प्रभावित किया है, बिहार के विशेष संदर्भ में चर्चा की थी। हमारा दूसरा प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता के लिए भारत की एक दावा मात्र नहीं बल्कि एक अधिकार है, टिप्पणी कीजिए। और थर्ड है कि क्वाड का मुख्य उद्देश्य एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के लिए एक साझा दृष्टिकोण एवं पूर्व और दक्षिण चीन सागर में नियम आधारित समुद्री व्यवस्था स्थापित करना है, टिप्पणी कीजिए। ये तीनों ही प्रश्न बायलैंग्वेज में है, यानी इंग्लिश में भी दिए हुए हैं। अब एक एक करके हम इन तीनों के फॉर्मेट को देखते हैं कि इन प्रश्नों में आपको क्या क्या इनपुट शामिल करने चाहिए। अब इस प्रश्न में आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप भूमिका में संघवाद को बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर संघवाद क्या होता है, संघात्मक व्यवस्था क्या होती है। इसके बाद राजकोषीय संघवाद को आप बताएंगे। राजकोषीय संघवाद से संबंधित भारतीय संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं उन प्रावधानों का उल्लेख करेंगे, यानी कि संवैधानिक प्रावधान क्या किए गए हैं, भाग 12 अनुच्छेद 268 से लेकर 293 तक, साथ ही साथ 280 और 275 का विशेष उल्लेख करेंगे वित्त आयोग और जो 275 के अंतर्गत ग्रांट की व्यवस्था की गई है। इसके बाद कुछ लोगों ने क्या किया है कि मुद्दों में केवल कोविड-19 और राजकीय संघवाद में केवल जीएसटी से संबंधित मुद्दे ही डाले हैं। आपको जीएसटी से संबंधित जो मुद्दे हैं उसे तो विस्तार से डालना ही डालना है, लेकिन उसके अलावा भी आप जो वर्तमान समय में अन्य मुद्दे हैं उन मुद्दों की आप चर्चा कर सकते हैं। अब इसके अलावा मुद्दे तो आप बताएंगे ही, साथ ही साथ जो अभी केंद्र सरकार ने कुछ संघवादी व्यवस्था जो है उसको मजबूत करने के लिए, क्योंकि राज्यों को लेकर राज्यों की तरफ से चिंता आ रही है कि राज्यों को जो कंपनसेशन दिया जाना था जीएसटी को लेकर वो समय से नहीं मिल पा रहा है, और जीएसटी के कारण जो करों में जो संग्रहण में जो कमी आई है कोरोना के कारण वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसके लिए केंद्र सरकार ने क्या प्रावधान किए हैं, तो आरबीआई से बड़े पैमाने पर वित्त की व्यवस्था कर राज्यों को जल्दी से जल्दी उस वित्त को चैनलाइज करने का, ट्रांसफर करने का प्रावधान किया है। राज्यों को ऋण लेने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि की है। इसके बाद अब बिहार के विशेष संदर्भ में जो भी चीजें लिखें हेडिंग देकर लिखें, और हेडिंग आप ब्लैक से दे सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर ब्लू से भी दे रहे हैं तो कम से कम दो लाइन जरूर उस पर करें, क्योंकि आप ये मान के चले कि एग्जामिनर के पास बहुत सारी कॉपियां होती हैं, तो आप अपनी चीज़ को किस तरीके से उसका ध्यान आकर्षित करा सकते हैं कि एग्जामिनर को चीज़ें देखने के लिए आपको मेहनत प्रयास ना करना पड़े, उसे क्लियर दिखाई दे कि राजकोषीय संघवाद चुनौतियाँ, कोविड-19 से उपस्थित विशेष चुनौतियाँ, बिहार के विशेष संदर्भ में आपने क्या क्या रखा, तो जैसे प्रवासी संकट, बहुत सारे मजदूर क्या हैं, वापस गए, रिवर्स माइग्रेशन हुआ है। इसके बाद बिहार में उद्योग कम है, ज्यादातर केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर बिहार आधारित है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और केंद्र सरकार ने जो रोजगार के लिए स्पेशल अभियोजना शुरू की है उन योजनाओं का आप उल्लेख करेंगे इसमें।
हम देख रहे हैं। इसके बाद एक संतुलित निष्कर्ष, कुछ लोगों ने इस उत्तर में बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है, जैसे राज्यों की बहुत तरह की कि कुछ राज्यों का कहना है कि उनके साथ जो भाजपा शासित राज्य नहीं हैं उनके साथ भेदभाव हो रहा है, या और भी मुद्दे उठाए हैं। तो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल आंसर लिखने से बचिए, प्रयास कीजिए तो उस तरीके की चीज़ों को ही समाहित करें जो कि एकेडमिक की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब दूसरा उत्तर देख लेते हैं। एक दो और भी अच्छे उत्तर हैं लेकिन इंग्लिश मीडियम में, मैं आपको दिखा देता हूँ उनको। इन्होंने जो भूमिका लिखी है थोड़ी अलग तरीके से लिखी है, जो प्रेफेस लिखा है इन्होंने, कोरोना वायरस किस तरीके से डिटेक्ट हुआ, किस तरीके से उसका प्रसार बढ़ा और कैसे यूएसए के बाद भारत दूसरा सबसे अधिक प्रभावित देश है, कैसे वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को कोरोना वायरस ने प्रभावित किया है, इस तरीके से इन्होंने अपने उत्तर की शुरुआत की है। इसके बाद इन्होंने पॉइंट वाइज बहुत सारे पैरामीटर्स डाले हैं कि किस तरीके से इन्फ्लेशन, माइग्रेशन, फूड सिक्योरिटी, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इस तरीके की चीज़ें जनरेट हुई हैं। इसके बाद देखेंगे इन्होंने बिहार के विशेष संदर्भ में अलग से द बिहार देख रहे हैं आप, इनमें इन्होंने जो योजना शुरू की गई है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड, तो इन चीज़ों का इन्होंने अपने उत्तर में जिक्र किया है। अगर आप चाहेंगे, आपकी अगर सहमति होगी तो हम एक इसी वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देंगे ताकि आप बेस्ट जो उत्तर हो उसके आप लोग भी उसे पढ़ सकें और उससे भी अपने अगले उत्तर में किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सकता है इसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या अस्थायी सदस्यता के लिए भारत की मांग एक दावा नहीं बल्कि एक अधिकार है, टिप्पणी कीजिए। अब देखो इन्होंने अपनी भूमिका की शुरुआत की, कुछ लोगों ने शुरुआत की है कि सुरक्षा परिषद क्या है, सुरक्षा परिषद में सदस्य अस्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। इन्होंने शुरुआत की है करंट में अभी जो चर्चा में है कि भारत को आठवीं बार एट्थ टाइम UNSC के अस्थायी यानी कि टेम्पररी मेंबर के रूप में सदस्यता प्राप्त हुई है और यह सदस्यता भारत को बाहरी बहुमत से मिली है। इसके बाद बताया है इन्होंने कि इसके कार्य क्या हैं। इसके बाद अस्थाई सदस्यों को इन्होंने एक मैप के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की है। वैसे इस उत्तर में मैप कोई मैंडेटरी नहीं है लेकिन आप बना देते हैं तो आपको एक नंबर एडिशनल मिल सकते हैं। इसके बाद इन्होंने सपोर्ट में पॉइंट्स दिए हैं, लगभग एक पॉइंट्स तो सारे बच्चों ने दिए हैं कि भारत सबसे दुनिया का सबसे बड़े लोकतांत्रिक देशों में से एक है, आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। इसके बाद भारत की हमेशा मल्टीपोलर वर्ल्ड का सपोर्टर रहा है इंडिया। इसके बाद जो पीस अभियान जितने भी हैं यूएन के उसमें भारत ने अब तक अहम भूमिका अदा की है। इसके अलावा इंडिया यूनाइटेड नेशन के अलावा जो भी शांति के लिए स्थापित संस्थाएं हैं जैसे वासेनार ग्रुप, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, यानी कि जो अप्रसार को रोकने के लिए चीज़ें बनी हुई हैं, या आर्म्स के अप्रसार हो या केमिकल्स वेपन्स के प्रसार को रोकने के लिए बनी हो, तो उन सारे सदस्यों का एक सदस्य है भारत। और सदस्य ही नहीं है बल्कि भारत ने अपनी जिम्मेदारी को बड़े ही अच्छे तरीके से निभाया है अभी तक। तो ये सब तर्क हैं। अब G4 समूह का जरूर उल्लेख करेंगे इसमें कि G4 समूह के द्वारा भारत अपनी मांग को मजबूती दे प्रदान कर रहा है। अब इसके बाद
इन्होंने अच्छा, अगर आप किसी भी चीज़ में ना करंट के मुद्दों को जोड़ देते हैं तो एग्जामिनर को लगता है कि नहीं बच्चा कहीं से केवल उत्तर को कॉपी नहीं कर रहा है, अपनी इसकी एक रचनात्मकता है, सृजन क्षमता है। इन्होंने वैक्सीन राष्ट्रवाद को जोड़ा है कि कैसे वैक्सीन डिप्लोमेसी इंडिया ने की है, भारत हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विकासशील देशों के मुद्दे उठाते रहा है, जलवायु परिवर्तन को लेकर सकारात्मक कदम भारत ने उठाया है। इसके बाद चैलेंजेस आपको ज़रूर बताने हैं। चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस में आप कॉफ़ी क्लब का जरूर यूज करेंगे, क्योंकि जब आप टेक्निकल टर्म यूज करते हैं तब लगता है कि नहीं आपने पढ़ाई डीपली की है, गहराई से की है। चीन का क्या मुद्दा है? और इसके बाद आप एक संतुलित निष्कर्ष लिखेंगे। तो ये इस जो प्रश्न है इसका एक फॉर्मेट हो गया। कुछ चीज़ें इसमें ज़रूर होनी चाहिए, जैसे G4 समूह का आपको ज़रूर उपयोग करना है। जब आप चुनौतियाँ लिख रहे हैं तो कॉफ़ी क्लब का उपयोग ज़रूर करें। चीन की तरफ से क्या समस्याएं हैं भारत की अस्थायी सदस्यता को लेकर, यानी इन चीज़ों का जो कि मैंडेटरी है उसका उल्लेख, आपको टर्मोलॉजी का उल्लेख होना चाहिए। वैसे तो क्वाड के प्रश्नों को बहुत लोगों ने लिखा है, लेकिन मैप का समावेश बहुत कम विद्यार्थियों ने किया है। इन्होंने चूंकि अपने उत्तर में मैप का समावेश किया है इसीलिए मैंने इनके उत्तर को चुना है। आप भी प्रयास करें कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध के जब भी आपसे प्रश्न पूछे जाएं और उसमें मैप का समावेश अगर संभव हो तो मैप का समावेश जरूर करें। अब क्वाड क्या है, क्वाड की संकल्पना की शुरुआत कैसे हुई? जापानी प्राइम मिनिस्टर जो उस समय के थे शिंजो आबे ने इसकी शुरुआत की थी 2007 में। इसके बाद इसके मेन मोटो क्या था, एक डायलॉग बेसिकली क्या था, वार्ता मंच है। इसके बाद एक बच्चे ने बड़ा अच्छा किया है कि क्वाड में चार जो कंट्रीज हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड जापान, उनके अपने अपने हित क्या हैं इसमें, ठीक है, उसका उल्लेख आप करें। इसके बाद चीन के प्रति संतुलित करने में, यानी कि भारत का क्या इंटरेस्ट है, भारत के इंटरेस्ट को अलग से आप इसमें पॉइंट वाइज बताएं। और जो प्रश्न पूछा गया है, जो लाइन उठाई गई है, वो इस बार यानी कि जो मार्च 2021 में जो फर्स्ट वर्चुअल सबमिट हुई थी इसकी, उसमें वो बात एक दस्तावेज जारी किया गया था और उसी दस्तावेज में वो लाइन कही गई है। तो उस दस्तावेज का आप जरूर उल्लेख करें कि हाल ही में संपन्न प्रथम वर्चुअल शिखर वार्ता में इस बात का उल्लेख किया गया है। आप इस मैप को ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से, जिसमें आप हाफ इंडिया के पोर्शन को दिखाएंगे, साउथ चाइना सी को दिखाएंगे, 9 डैश लाइन को आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, और आप ऊपर में चाहें तो जापान और इधर ऑस्ट्रेलिया का भी थोड़े से में जिक्र कर सकते हैं, जिससे आपका उत्तर प्रभावी हो जाएगा। जिसे देखिए कुछ चीज़ें हैं ना जिसे आपको करनी है, जैसे क्वाड आप लिख रहे हो तो उसमें मालाबार एक्सरसाइज का आपको जिक्र करना ही करना है। इंडो स्पेसिफिक पैसिफिक रीजन किस तरीके से जो टर्मोलॉजी चेंज हो रही है और किस तरीके से हिंद महासागर के नाम जोड़ने से इंडिया का महत्व बढ़ रहा है, इन चीज़ों को आपको इसमें दर्शाना होगा। इसके बाद जब भी आप निष्कर्ष लिखें तो उसमें आईआर के प्रश्नों में खासकर तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, जिससे आपको प्रश्न हमेशा इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट यानी भारत का राष्ट्रीय हित जो है वो कैसे इस संगठन के माध्यम से सज सकता है, कैसे उसको बढ़ावा मिल सकता है, कैसे उसकी सुरक्षा हो सकती है, और इसको इस संगठन को और भी आगे क्या किया जाए जो कि भारत के फायदेमंद में हो, इन चीज़ों को आपको ध्यान में हमेशा रखना है। तो बड़ी सिंपल चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखते हुए आईआर के प्रश्नों का उत्तर देना है। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, और आप देखते तो हैं चैनल को, चैनल का मैंने जब एनालिटिक्स में चेक किया तो सब्सक्रिप्शन रेट काफ़ी कम है, तो आप खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से को भी इसको सब्सक्रिप्शन को कम से कम आप थोड़े इंक्रीज करें, क्योंकि यूट्यूबर्स के लिए जो सब्सक्रिप्शन होता है ना वो आपके द्वारा दिया गया गिफ्ट होता है।
तो आप अधिक से अधिक गिफ्ट दें, और थैंक यू आप आंसर राइटिंग करते रहें। मैंने सोचा था कि काफ़ी कम लोगों के आंसर राइटिंग आएंगे, लेकिन शुरुआत में पहले क्वेश्चन में 5 से 6 लोगों ने भेजा था, दूसरे में 10 लोगों ने, और तीसरे में 12 से 15 लोगों के आंसर आ चुके हैं। तो अच्छा है प्रयास, अब उत्तर लेखन करें। और दूसरी अच्छी बात यह है कि 2 से 3 बच्चों को छोड़कर ज़्यादातर जो उत्तर आ रहे हैं वो स्टैंडर्ड आ रहे हैं, यानी कि 17 से 20 नंबर के बीच में उन्हें मार्क मिल रहे हैं। कुछ उत्तर ऐसे हैं 2 से 3 जिनको कि 20 से एवव मार्क्स मिल रहे हैं। अगर आपको 20 से एवव मार्क्स मिल रहे हैं तो समझिए कि आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में है। आप लगातार लिखने का प्रयास करें, कोशिश करें कि निर्धारित समय में ही उत्तर को पूरा करें। अगर निर्धारित समय खत्म हो रहा है तो उत्तर को वहीं पे छोड़ दें, एक्चुअल एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करें। ऐसा ना करें कि एक उत्तर को 3 उत्तर के समय में लिखें और उत्तर इतना बेहतरीन लगे पढ़ने के बाद, लेकिन एग्जाम में आप 5 की जगह पे 8 की जगह पे 3 ही उत्तर लिख पाएं। तो उस तरीके का कार्य कर वाहवाही लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि अंततः आपको वाहवाही नहीं, आपको रिजल्ट लेना है, सफलता प्राप्त करनी है। ठीक है, धन्यवाद।